हेलो फ्रेंड्स हम सभी को चिकनकारी कुर्तीस पहनना तो बहुत पसंद होता है लेकिन ये सारी ही जॉर्जेट की होती हैं और इन सब में अस्तर और लाइनिंग लगाना पड़ता है हमें अलग से कपड़ा लेकर के और उसको बनवाने के लिए आपको टेलर के पास जाना पड़ता है बट आज मैं आपको बहुत ही इजी और आसान ट्रिक बताने वाली हूँ इसके अस्तर और लाइनिंग बनाने का जिसको आप घर बैठे ईजिली बना सकते हैं तो मिनिमम जितने की आपकी कुर्ती नहीं होती उतने का तो टेलर आपको रेडी करके देता है तो जस्ट पचास से साठ रुपए में आप इसकी कुर्ती खुद घर पर रेडी कर पाएंगे बहुत ही इजी स्टेप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ आज इसको बनाने के लिए तो ये हमारी चिकनकारी कुर्ती है और इसी के मैचिंग का मैंने ये कॉटन का कपड़ा ले लिया है और ये ही हमारा लाइनिंग में और अस्तर में यूज होता है तो ये मैंने तकरीबन डेढ़ मीटर का कपड़ा लिया है और ये हमें फिफ्टी रुपीज़ का मिल गया था अगर आप लेंथ में ज़्यादा लंबा सूट पहनते हैं तो आप इसे दो मीटर लेंगे दो मीटर से ज़्यादा आपको नहीं लेना मैंने यहाँ पर लंबाई छोटी रखनी है तो इसको मैंने डेढ़ मीटर का लिया है इसलिए आपका सिक्सटी का मिल जाएगा बट हमारा ये फिफ्टी से फोर्टी फाइव के बीच में आ गया है इस कपड़े को एक बार आपको धो लेना है उसके बाद में हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ता है कपड़ा और जब रेडी होने के बाद आप इसे धोएंगे तो ये इधर उधर से कहीं से ये उठने लगता है कहीं से झुकने लगता है तो इसमें आड़ापन आ जाता है तो इसको आपको वॉश कर लेना है एक बार कटिंग करने से पहले तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं और कपड़ा कैसे बिछाना है सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी अगर आप बिगनर भी हैं तो भी इस तरीके से आप बना लेंगे घर बैठे बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर पूरे कपड़े को पहले तो हमने देखे खोल लिया है इस तरीके से अब इसको बिल्कुल सेंटर से आपको ऐसे मोड़ना है बिल्कुल चौड़ाई में हमने इसे एक बार मोड़ लिया है अब इसको हम एक बार और बीच में से मोड़ लेंगे तो ये कपड़ा हमारा फोर फोल्ड में आ जाएगा और दोनों हमारे फ्रंट और बैक पल्ले दोनों एक साथ निकल जाएंगे आप चाहे तो इसको पतली स्ट्रिप वाला भी बना सकते हैं या फिर अगर आपको थोड़ा चौड़ा बनाना है जैसे कि लाइनिंग और अस्तर में होता है और उससे ज्यादा शो नहीं होता तो हम अभी वैसा वाला बना रहे हैं मैं आपको पट्टी वाली ट्रिक भी बता दूंगी कि कैसे बनती है इसको बिल्कुल अच्छे से बिछा लीजिए बीच में कोई भी सिकुड़न कोई भी सिलवट ना रहे अब देखिए धुलने के बाद हमारा जो कपड़ा है एक तरफ से बढ़ने लग गया है तो आप एक सीधा स्केल ले लीजिए और यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लीजिए अब इसके नीचे से हमें लंबाई के निशान लगाने हैं तो लंबाई आपकी जितनी भी है कपड़े की आप पूरी भी रख सकते हैं अगर आप छोटी पहनते हैं तो आप छोटी रखिए तो यहाँ पर हम थर्टी एट इंच की लंबाई रखेंगे और यहां पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी निशान लगा लेंगे जिससे कि हम इसको बाद में मोड़ सकें। अब यहां पर आपको नेक की चौड़ाई के निशान लगाने हैं तो नेक की चौड़ाई के लिए आपका ये जो ये वाला कपड़ा है इसको आपको इस तरीके से अपनी नेक की चौड़ाई नाप लेना है तो ये हमारा तकरीबन आ रहा है साढ़े छ इंच और साढ़े छः का आधा हमारा होता है सवा तीन इंच तो यहां पर सवा तीन इंच पर निशान लगा लेंगे कंधी के लिए हमें ज्यादा चौड़ा नहीं चाहिए तो वैसे हम नॉर्मली जब सूट की कटिंग करते हैं तो हम यहाँ पर तीन इंच रखते हैं बट अभी हमें यहाँ पर ढाई इंच और सवा दो इंच हम यहाँ पर रख रहे हैं आप इस पट्टी को और ज्यादा कम कर सकते हैं इसको हम तकरीबन डेढ़ इंच तक की भी पतली रख सकते हैं उससे क्या होगा एकदम स्ट्रैप वाला लुक आ जाएगा और अगर आप पतली पट्टी चाहते हैं तो पतली पट्टी भी रख सकते हैं तो हमने यहाँ पर अभी सवा दो इंच रखा है आप इसे डेढ़ इंच तक छोटा रख सकते हैं अगर आपको पतली पट्टी जैसा लुक चाहिए अब इसके नीचे हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है तो आर्म होल हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रखते हैं थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं तो यहां पर छह इंच रखना है बट यहाँ पर आधा इंच नॉर्मली हम छ इंच रखते हैं इसको आधा इंच बड़ा करेंगे साढ़े छ पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से सीधा कर लीजिए अब ऊपर से कमर के लिए निशान लगाएंगे तकरीबन साढ़े बारह इंच पर और हिप के लिए निशान लगाएंगे साढ़े उन्नीस इंच पर इन निशानों को आपको सीधा कर लेना है लंबाई के निशान हमने लगा लिए हैं अब इसके बाद आपको गुलाई के निशान लगाने हैं अगर अभी तक कुछ भी ना समझ आया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ही इजी और आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि आप घर बैठे अपनी कुर्ती बना सके और आपका एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना हो तो अब यहाँ पर हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना है चेस्ट है हमारा अट्ठारह इंच उसका आधा करेंगे क्योंकि हमारा फोर फोल्ड में कपड़ा है तो अट्ठारह का आधा आएगा हमारे पास नौ इंच पर यहाँ पर हम सवा नौ इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि ये हमारा कॉटन का कपड़ा है और अस्तर है तो ये बाद में बहुत ज्यादा सिकुड़ेगा इसलिए हम इसको सवा नौ इंच रख रहे हैं धुलने पर ये काफी सिकुड़ता है अब ऐसे ही हमें वेस्ट के लिए निशान लगाना है सवा आठ इंच पर तो हम यहाँ पर साढ़े आठ इंच पर निशान लगा रहे हैं कम से कम आपको दो सूत यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा करके रखना है तो यहाँ पर साढ़े नौ इंच हमें ये रखना है और दामन के लिए हम दस इंच रखेंगे तो यहाँ पर साढ़े दस इंच पर निशान लगाएंगे जो आप सूट पर जो निशान लगाते हैं उससे आपको दो सूट बढ़ा करके यहाँ पर निशान लगाना है अब इन निशानों को हमें मिला लेना है सारे निशान मिलाने के बाद अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर डेढ़ इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है नीचे से हमें इसे सिलाई वाला बनाना है तो मैं यहाँ पर डेढ़ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रख रही हूँ एक इंच का हम नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन रख रहे हैं और ये हमने डेढ़ डेढ़ इंच का मार्जिन रखा है अब इन निशानों को भी मिला लेंगे अगर आपने रेडीमेड अस्तर देखा होगा तो उसमें बहुत ज्यादा कम मार्जिन होता है तो इसीलिए अगर आप घर बैठे बनाएंगे तो अगर कभी इन फ्यूचर आपका ये आप। फिर बहुत ज्यादा टाइट पड़ जाता है तो आप इसे खोल के अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपने साइज के हिसाब से इसे कर सकते हैं डेढ़ इंच का हमने यहाँ पर पूरे में मार्जिन लिया है नीचे की तरफ हमने एक इंच का मार्जिन लिया है क्योंकि इसे हमें मोड़ करके सिलाई वाला बनाना है अब इतना पार्ट करने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाना है तो यहाँ पर एक इंच की गहराई रखेंगे और इस तरीके से आपको गुलाई देनी है एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा फोर फोल्ड में कपड़ा है तो आपको बैक वाला आर्म होल भी इसी इसी टाइम टाइम पे पे रेडी करना है मतलब निशान लगाना है तो ये हमारा एक इंच की गोलाई पे था बैक वाले आर्म होल की जो गोलाई करेंगे वो डेढ़ पर करेंगे बैक वाला आर्म होल थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है हमारे फ्रंट वाले आर्म होल से वैसे इसमें हमारी बाजू नहीं लगनी है तो अगर आप बराबर भी रख रहे हैं तो बराबर भी रख सकते हैं बट यहाँ पर हम अच्छे से अपनी पूरी फिनिशिंग के साथ बनाने वाले हैं तो ये हमारी ड्राफ्टिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से कुर्ती की हो गई है कटिंग करने से पहले हमें यहाँ पर नेक भी अपना बना लेना है तो नेक हमारा नॉर्मल नेक से यहाँ पर बड़ा बनेगा हर चीज़ यहाँ पर हम आपको एक्स्ट्रा ही लेनी है तो यहाँ पर देखें आ, सवा तीन इंच की हमने यहाँ पर नेक की चौड़ाई ली है इसकी जो गहराई करेंगे वो हम सात इंच की नॉर्मल रखते हैं तो यहाँ पर साढ़े सात इंच की रख देंगे या फिर आप अपनी कुर्ती से भी मेजर कर सकते हैं कि इसका कितना डीप है तो इससे आधा इंच डीप रख सकते हैं आप तो ये देखिए ये आ रहा है हमारा तकरीबन तकर इंच यानी कि साढ़े सात इंच हमने रखा है अब यहाँ पर एक बॉक्स बना करके हमें गोल अपना गला बनाना है यहां पर राउंड नेक ही बनता है ज्यादातर और इसमें हमारा फ्रंट और बैक नेक दोनों ही बिल्कुल बराबर रहेगा अब देखें यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिप वाली आपको बात बताई थी तो स्ट्रिप के लिए आपको आपका जो आरमोल है मैं नीली चौक से आपको बता दे रही हूं आपका जो आरमोल है उसको आपको इस तरीके से कम करना है इतना रखना होगा तो ये आपकी एकदम पतली स्ट्रिप आ जाएगी आधा आधा इंच आपका यहाँ पर दबाव में चला जाएगा तो ये आपकी बिल्कुल पतली स्ट्रिप आ जाएगी अगर आपको पतला रखना है तो इस तरीके से रख सकते हैं या फिर अगर आपको चौड़ा रखना है तो आपको इतना ही रखना होगा बाकी अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अस्तर के लिए कुर्ती की कटिंग हमारी हो गई है अब हमें नेक के लिए पट्टी कट करनी है तो नेक का जो ये कपड़ा निकला था इसी को रख करके हम पट्टी कट करेंगे ये जो हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा है ये ले लीजिए। इसको लेके बिल्कुल बीच में से मैंने मोड़ लिया है और इसका भी जो फोल्ड वाला साइड है उसको बिल्कुल इस तरीके से मिला करके रखना है आपको और यहाँ पर इस तरीके से निशान बना लीजिए बाद अब सवा एक इंच की इस तरीके से आपको निशान लगाना है पूरे में गुलाई में और बिल्कुल इसी शेप में लगा करके हमें इसकी कटिंग कर लेनी है तो ये हमारी एक पट्टी जैसी रेडी हो जाएगी तो ये देखिए हमारी जो नेक की पट्टी है वो इस तरीके से कटिंग हो गई है अब ऐसे ही हम अपने बैक वाले नेक के लिए भी सेम पट्टी को कटिंग कर लेंगे और ये जो हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हमें उरे उरे पट्टी की भी कटिंग करनी है जो कि हमारे आर्म होल में इस्तेमाल होगी क्योंकि यहाँ पर हमारी बाजू कुछ भी नहीं लगने वाली तो हमें उरे पट्टी से इसको फिनिशिंग देना होगा तो यहाँ पर से मैं दो से तीन पट्टिया यहाँ पर कट कर लूंगी जो कि हमारे दोनों में आसानी से आ जाएगी इसको हमें देखिए इस तरीके से थोड़ा सा जो हमारा बढ़ने वाला कपड़ा होता है तिरछा होता है उसी को हमें कटिंग करना है आप नेक को भी इसी ट्रिक से भी बना सकते हैं मैं यहाँ पर पट्टी के साथ बना रही हूँ उससे काफी अच्छी फिनिशिंग आएगी अगर आप आड़ी पट्टी से बनाना चाहें, ये जो उरेप पट्टी होती है तो आप उससे भी बना सकते हैं तो सारे पार्ट्स की देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है और ये हमारी उरेप पट्टिया कटिंग हो गई है इन सबको हम आपस में इस तरीके से जोड़ेंगे उसके बाद में सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर होल पे लगाएंगे तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं सबसे पहले आपको नेक बनाना है कुछ भी आप बनाएंगे तो आपको मतलब सूट में कुछ भी बनाएंगे तो आप सबसे पहले आपको गला बनाना होता है अब ये जो हमने पट्टी कट करी है इस तरीके से मोड़ेंगे साइड से दोनों पट्टियों को इस तरीके से मोड़ करके हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और इसमें से एक पार्ट को अलग कर लीजिए और अपने आर्म होल की आपको गहराई कर देनी है नेक की पट्टी को मोड़ने के बाद आपको इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और जैसे हम अपना गला स्टिच करते हैं वैसे ही आपको इसे यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है सीधे साइड की तरफ आपको ये पट्टी को रख करके उल्टी साइड की तरफ पलट देना है सिलाई लगाने के बाद स्टिच करने के बाद अब हमें यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं और पूरी पट्टी को पीछे वाली साइड की तरफ पलट देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे जिससे कि हमारा जो नेक है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और ये देखें हमारा जो नेक है पलटने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है आप चाहे तो इसको पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं पर ये हमारी अंदर पहनने वाली कुर्ती है इसलिए हम यहाँ पर पक्की सिलाई लगा रहे हैं ये देखिए हमने अपने दोनों गले इस तरीके से बना करके तैयार कर लिए हैं अब हमें अपने ऊपर वाला कंधा वाला पार्ट जोड़ना है तो इसको देखिए इस तरीके से दोनों साइड सीधे साइड अंदर की तरफ रखेंगे और जो इसका ये वाला पार्ट है इसको इसके ऊपर चढ़ाते हुए हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड्स पर हमें देखें

पूरे में सिलाई लगाएंगे अब इसकी जो दूसरी वाली साइड है उसको इस तरीके से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरा ही गुलाई में सिलाई लगाएंगे और ये हम सीधी साइड की तरफ पट्टी रख कर के सिलाई लगा रहे हैं अब जैसे हमने अपने नेक पर छोटे छोटे कट्स लगाए थे उसी तरीके से पूरे आर्म होल पर आपको छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं और कट इतने ही हो कि आपने जो भी सिलाई लगाई है वो आपकी कट ना हो अब इसको भी अंदर की तरफ पलटते हुए हम बिल्कुल बारीक बखिया करते हुए सिलाई लगा लेंगे इससे क्या होगा कि हमारा पूरा आर्म होल बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलट जाए होल को भी देखें हमने अच्छे से फिनिशिंग कर लिया है दोनों साइड्स की तरफ से इस तरीके से तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ये अच्छे से पूरा ही कंप्लीट हो गया है अब हमें अपनी साइड के फिटिंग की सिलाई लगानी है तो दोनों तरफ देखिए हमारे निशान लगे हुए हैं यहां पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड्स की तरफ हमने देखिए फिटिंग की सिलाई लगा ली है अब केवल हमें अपने ये चाक मोड़ने हैं तो सिंपल इस तरीके से फोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है आप चाहे तो दोनों साइड्स की तरफ सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप एक ही सिलाई लगा कर इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम दोनों साइड्स की तरफ चाक मोड़ लेंगे और अपना ये दामन भी इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे तो हमने देखिए यहाँ पर चाक वगैरह अच्छे से मोड़ करके अपनी पूरी कुर्ती को तैयार कर लिया है और ये हमारा फ्रंट और बैक नेक दोनों ही बिल्कुल बराबर रहेगा बाकी हमारी जो साइड की फिटिंग्स वगैरह हैं वो भी हो गई हैं तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बनानी बतानी मतलब बनानी शेयर करी हैं तो आई होप कि आज आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना कुछ ना समझ हो तो आप मुझे कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हैं तो मिलती हूँ मैं बाय अल्लाह हाफिज़